इजलास गैर आईनी है, नून लीग ने अदालत जाने की धमकी दे दी। इजलास शुरू हुआ तो अदालत में चैलेंज कर देंगे। ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असेंबली को मुखातिब करते हुए कहा, आपको गलत गाइड किया जा रहा है, हाउस को इतना बेतौकीर ना करें कि इसकी हैसियत खत्म हो जाए। आपने रूल मौतल किए, आइन ही मौतल कर दें। बाबर अवान ने कहा, किसी की ख्वाहिश नहीं, रूल्स पर ऐवान चलना चाहिए। गैर आइनी हम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देंगे इस इजलास को। रूल सस्पेंड किया है, रूल फाइल सस्पेंड हुआ है। एक घंटे से ऊपर, एक घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है। एक घंटा बीस मिनट के बाद इजलास हुआ है। वो एक घंटे वाला रूल हमने हाउस ने सस्पेंड किया है, रूल फाइव के तहत वो सस्पेंड हो गया। आपको गलत एडवाइस किया जा रहा है, ये गैर कानूनी इजलास, गैर आइनी इजलास है। हाँ जी सादिक साहब, प्लीज। एक रवायत भी होती है और एक रूल्स भी होते हैं। आपने उस रूल को सस्पेंड किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फिर सस्पेंड कर दें। नहीं, तो अगर हम सादिक साहब मुझे बताएं, अगर हम हर चीज को बुलडोज करेंगे, अगर हम हर चीज को कवानीन के मुतसादम करेंगे, तो फिर हमें यहाँ बैठने, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं कल कुलीग से कह रहा था, मेरा दिल नहीं चाहता यहाँ आके बैठने का, मुझे अफसोस होता है। ये हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इफ अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 55, रूल स्टार्ट यहीं से होता है कि प्रेसिडेंस सुपीरियरिटी कंट्रोल होगा आर्टिकल 55 का, बिकॉज दिस इज अ सबॉर्डिनेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन।